उत्तराखंड में पिछले दिनों बारिश ने जमकर कहर बरपाया, जिसके चलते आज भी जनजीवन प्रभावित है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन से जगह जगह सड़कें बंद है। बारिश से नदियां उफान पर हैं। ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री राजमार्ग को आगमन के लिए सुचारू किया जा रहा है। रानी पोखरी में पुल टूटने से देहरादून ऋषिकेश को आने जाने वाले वाहनों को डायवर्ट किया गया है। इन सबसे बीच एक अच्छी खबर यह है कि अगले 3-4 दिनों तक मौसम का रुख थोड़ा हल्का रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने उत्तराखंड के मौसम को लेकर कहा कि जिस तरह से पिछले दिनों प्रदेश में बारिश ने कहर बरपाया, अब अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश से राहत मिलने की संभावना है। मौसम निदेशक ने कहा कि 30 अगस्त से लेकर 3 अगस्त तक मौसम में खासा बदलाव देखने को मिलेगा। फिर मैं कहूँगा कि करीब 4 से 5 दिन जो है 30 तारीख से लेकर के करीब 2 तारीख तक जो है या 3 तारीख तक जो है जो एक्टिविटी है प्रदेश में वो काफ़ी कम हो जाएगी। हाँ, ये कि स्केटर्ड एक्टिविटी तो रहेगी, हल्की मध्यम या इक्का दुक्के जो इंटेंस आवर है वो भी मिलते हैं, क्योंकि जब ड्राई टाइप की कंडीशन होगी जो मानसून सिस्टम है यहाँ से थोड़ा नीचे को मूव करेगा, तो फिर ये कि थंडरस्टॉर्म टाइप एक्टिविटी तो देखने को मिलती है जिसमें कि तेज शावर वगैरह मिलते हैं, पर यह कि कंटिन्यूस रेन या बहुत ज़्यादा बारिश है उसकी संभावना फिर नहीं है। तो 30 से लेकर के और करीब 2-3 तारीख तक जो है तो एक्टिविटी फिर प्रदेश में कम है।